सो गाइज, आजकल एड्स का जमाना है, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। आपको हर जगह एड देखने को मिलेंगे, चाहे आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, आप रोड पर कहीं जा रहे हो, वहाँ भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के पहले भी आपको एड्स देखने को मिले होंगे। और दोस्तों, एड्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं एक मेल पर्सन हूँ और मेरे सामने लिपस्टिक और फालतू फालतू चीज़ों का एड्स आ रहा है। जिसकी हमें ज़रूरत है वही चीज़ का एड्स हमें दिखाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम किसी ई कॉमर्स साइट, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहाँ पर हम अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो हूबहू वही प्रोडक्ट्स का एड हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम और भी हमारे फ़ोन के वेब ब्राउजर, वहाँ पर हूबहू वही प्रोडक्ट का एड्स कैसे शो होने लगता है। इस वीडियो में आप सारा प्रोसेस जानेंगे कि ये चीज़ कैसे हो पाता है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में हमारे पसंद की चीज़ों का एड्स कैसे शो होने लगता है, तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक एंड टिप्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे सामने वही एड्स क्यों शो होते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं या जिस प्रोडक्ट को हम परचेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन कारण है, वो है कुकीज। अब कहेंगे कुकीज क्या है, तो कुकीज एक फाइल्स है जो इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा हमारे कैश मेमोरी में अपडेट होता रहता है। दोस्तों, आप किसी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप जरूर दिखता होगा, और वो वेबसाइट बताती है कि हम कुकीज़ इनेबल हैं, यानी यहाँ पर जो भी आप वर्क करेंगे उस चीज़ को हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपके फ़ोन में ही कैश मेमोरी में कुकीज़ के रूप में उस चीज़ को सेव कर देंगे। तो इसको समझने के लिए आपको ई कॉमर्स साइट्स फ्लिपकार्ट पर ले चलते हैं, और वहाँ पर आपको डिटेल में समझा देते हैं कि कैसे हमारे पसंद की चीज़ों का एड्स हमारे सामने शो होने लगता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर ले आए हैं, और आपको यहाँ पर इसके प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसके प्राइवेसी पॉलिसी में क्या दिखाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया गया है कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, यानी हमारा इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, हमारी जानकारी ली जाएगी कि हम यहाँ पर कौन है, कहाँ से हैं, ये चीज़ सारा हमसे लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुकीज़। अब कुकीज़ में दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी सर्च करते हैं, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होकर हमारे फ़ोन के कैश मेमोरी में कुकीज़ के रूप में सेव रहता है। मान लीजिए आपने अभी यहाँ पर एक टीवी के बारे में सर्च किया, आपको कोई टीवी परचेज करना है, उसके बारे में सर्च किया, सर्च करके आप जब एक घंटे बाद फिर दोबारा फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे तो फ्लिपकार्ट सोचेगा कि यार इसने एक घंटा पहले क्या चीज़ सर्च किया था, तो वो कुकीज फाइल के अंदर जाएगा और देख लेगा कि भाई इसने तो टीवी सर्च किया था, तो पहले इसको टीवी ही दिखाओ, टीवी का ही यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाओ, क्योंकि भाई इस चीज़ में ये इंटरेस्टेड है। तो इस तरह जो है फ्लिपकार्ट हमारे कुकीज़ के द्वारा थोड़ा बहुत हमारा हेल्प भी कर देता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है। चलो भाई, ये कुकीज़ स्टोर किया है तो ठीक है, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को पहले दिखा रहा है। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि कुकीज़ हमारे लिए सही है, हमारे पर्सनल चीज़ों को कलेक्ट करता है, और जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को हमें पहले दिखा देता है, तो ये हमारे लिए अच्छी है, हम उस चीज़ का सिलेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने फ़ोन में किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और वो वेबसाइट्स अगर कुकीज़ इनेबल है, तो कुछ इस तरह का पॉपअप पहले ही खुल जाएगा, वो बोलेगा कि भाई यहाँ पर कुकीज़ को इनेबल करिए, और जैसे ही कुकीज़ को यहाँ पर इनेबल करते हैं तो भाई वो जो वेबसाइट्स है डायरेक्ट हमारे फ़ोन के अंदर जो कुकीज़ फाइल सेव है उसके अंदर जाएगा, और देख लेगा कि भाई ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, अरे भैया इसने तो इसको तो टीवी परचेज करना है, ये फ्लिपकार्ट पर अभी तुरंत एक घंटा पहले ये जाकर सर्च किया है, और फिर वहीं एड्स अब उस वेबसाइट पर चलने लगेंगे। हूबहू यही हाल फेसबुक का है। अगर हम किसी भी ई कॉमर्स साइट, हम फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं, अगर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी देखिएगा तो भैया उसमें कुकीज़ रहेगा ही, तो वो कुकीज सेव कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह एड्स का खेल है, और हमारे फ़ोन में कुछ इस तरह ही हमारे पसंद, हमारे इंटरेस्ट के चीज़ों का एड्स फ़ोन में शो होता है। तो कुकीज़ जो है वो हमारे लिए सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे इंटरेस्ट के चीज़ों का ही हमारे सामने ऐड आता है, तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही है। तो आप अपने फ़ोन के वेब ब्राउजर में अगर किसी भी साइट्स पर गए हैं और आपको कह रहा है कुकीज़ को इनेबल करिए, आप यहाँ पर कुकीज़ को परमिशन को दीजिए, तो भैया आप मत दीजिए, वो आपके लिए सही है। बाकी जो आपके सामने एड्स आ रहे हैं वो तो आते ही रहेंगे, उसे आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए कि हमारे फ़ोन में हमारे इंटरेस्ट की चीज़ों का एड्स कैसे शो होने लगता है। फिर भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।